चल बाय हेवन, बाय बाय। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज रहे हैं 1 और पेपर है 2 बजे। तो मैं आया हूँ हॉस्टल में, देखते हैं लिंगे के रूम पे वो लोग पढ़ाई करेंगे, फिर उसको पिक करके जाएंगे हम लोग कॉलेज में, वहाँ जाके देखेंगे पेपर का क्या है। आज नींद आ रही है बहुत। अभी हो गया 1 सीन, आज था हमारा कॉलेज का फोटोशूट और मैं आ गया हूँ ये कपड़ों में और सब आए फॉर्मल में। तो अभी जस्ट पेपर ख़त्म हो गया और पेपर इतना अच्छा था क्योंकि सर जो थे सुपरवाइजिंग के लिए वो काफ़ी अच्छे थे। बाबा इसको पहचानते हो गए, वो ब्लॉग में था शेफ हमारा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए कॉलेज में ही है, कॉलेज कैंपस में थोड़ा फोटोशूट करेंगे फिर निकलेंगे। तो फोटोशूट देखने के लिए आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा के लिंक यहाँ पे दूंगा। और रही बात जो सीन की, मैंने आप लोगों को बोला कि मैं एकदम ऐसे ड्रेस में आया हूँ और फोटोशूट था, तो प्रिंसिपल सर खुद मेरे को बोले कि कोई टेंशन नहीं है, ऐसे भी ले ले फोटो। तो हम लोग ने वो भी सीन सॉर्ट आउट हो गया है, अभी देख रहे हैं फोटोशूट चालू है। पीछे जैसे कि आप लोग देख सकते हो फोटोशूट चालू है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे मेरा व्लॉग कंटिन्यू कर देता हूँ और आप लोगों को जो चीज़ दिखाने की वो दिखा देता हूँ। तो मैंने जो पोल डाला था इंस्टा पे, यहाँ पे देख सकते हो, तो उसमें काफ़ी लोगों ने गेस किया कि व्लॉगिंग इक्विपमेंट है, लेकिन व्लॉगिंग का इक्विपमेंट नहीं है। तो वो व्लॉगिंग का इक्विपमेंट नहीं है, वो एक हाइड्रेशन ब्लैडर, मतलब ट्रैकिंग वगैरह के लिए मैंने वो खरीदा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये है वो हाइड्रेशन ब्लैडर। तो ये एक पाउच है जिसमें यहाँ पे एक लीड है, तो यहाँ से आप लोग वाटर पोर कर सकते हो जो कि यहाँ पे, और ये पाइप से यहाँ से आप लोग सक कर सकते हो इसे ऐसे। तो इसका क्या यूज़ है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हाइड्रेशन ब्लैडर का मेन यूज़ होता है तब जब आप लोग या फिर लॉन्ग राइड पर जा रहे हो या फिर 2-3 घंटे के राइड पर जा रहे हो और ट्रैकिंग कर रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। ऊपर से अभी समर्स चालू होने वाले हैं और मैं ज़्यादा करके ट्रैकिंग करता ही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में ट्रैक करके प्लेलिस्ट है वो देख लो। तो उसमें क्या होता है कि बार बार हमें बैग से बॉटल निकालनी पड़ती है और बॉटल से क्या होता है, हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं जिससे हमारा पेट जल्दी फूल जाता है और हम लोग थक जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये लिया है, ये सिप बाय सिप हम लोग पी सकते हैं, सिंपली बैग में रख देने का वो पाउच और वो पाइप निकल के हम लोग सक कर सकते हैं, जब भी चलते हुए भी कर सकते हैं या फिर बाइक राइड पे भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, राइडिंग के टाइम पे आप लोग यूज़ कर सकते हो या फिर हाइकिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे खरीद ही लेते, अपने बहुत काम की चीज़। वैसे हाँ गाइज, आप लोगों ने कोरोना वायरस के टिप्स के लिए काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन दिया, उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही मुझे अपने ब्लॉग्स के बारे में, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अपने ब्लॉग्स नॉर्मल ब्लॉग्स सिर्फ ब्लॉग्स ही नहीं रहते, मतलब एडवेंचर ही नहीं रहता, एक्सप्लोरिंग ही नहीं रहती है, मैं कुछ ना कुछ सोशल मैसेज या फिर जो भी कुछ मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो मैं करने की ट्राई करता हूँ, वो आप लोग अप्रिशिएट करते हो, तो थैंक यू सो मच गाइज उसके लिए। और गाइज अभी फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, और मतलब इनसेम एग्ज़ाम थी लास्ट की इनसेम एग्ज़ाम, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी काफ़ी सारे प्लान्स अपकमिंग है, मतलब लोहगढ़ का प्लान है या फिर और बहुत सारे, मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, अपने 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो गाइस और सपोर्ट करो, 1000 जल्दी से जल्दी रीच करो ताकि अपने जो ब्लॉगिंग सेटअप है या फिर इक्विपमेंट्स है उनमें मैं यूज़ कर सकूँ, जो भी इनकम आएगा या फिर जो भी पैसा आएगा वो ब्लॉगिंग में इस्तेमाल कर सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करने को। तो गाइज़ ये व्लॉग बस इतना ही था, मतलब यही मुझे मेनली हाइड्रेशन ब्लैडर आप लोगों को दिखाने का था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब काम की चीज़ है, ऐसी फालतू चीज़ नहीं है, आप लोग भी खरीद सकते हो। मैं बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा अमेज़ॉन के नीचे। गाइज ऐसे बहुत सारे ब्लैडर्स आप लोगों को 300-400 रुपये में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जो मैंने लिया है वो अराउंड, अभी प्राइस आप लोग देख ही लो नीचे लिंक से, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना
मतलब वो आराम से आपको 1 साल तो आराम से लास्ट कर जाएगा, बॉटल से इतना लास्ट नहीं करते। और बॉटल से क्या होता है, हम लोग फेंक देते इधर उधर, तो प्लास्टिक का कचरा भी हो जाता है, वो भी टेंशन नहीं आएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बतानी रह गई कि आप लोग इसमें सिर्फ पानी ही नहीं, आप लोग इसमें ग्लूकोन डी या फिर आप लोग जो भी सोल्यूशन यूज़ करते हो वो डाल के राइड पे या फिर हाइक पे सक कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा है, हाइड्रेट रहने के लिए काफ़ी ही अच्छी चीज़ है ये। तो इन लोगों का तो अभी भी फोटोशूट चालू ही है, मेरा थोड़ा बहुत हो गया, इंस्टा पे चेक कर लो। तो गाइज़ ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोगों को ऐसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें कुछ ज़्यादा एडवेंचर ऐसा एक्सप्लोरिंग टाइप नहीं था, लेकिन जो मेन बात थी वो मुझे आप लोगों को बताने की थी। तो गाइज़ मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो साइनिंग ऑफ हेमंत राउत, बाय बाय। We'll be right back.